नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। अराव के साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र के कल्याण में अत्यंत धीमी गति से चल रहे शहर की सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम अब लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसका एक नजारा महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम परिसर में देखने को मिला है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से विभिन्न सड़कों रास्तों के सीमेंटीकरण का काम आरंभ किया गया है। सड़कों का कार्य जल्दी से पूर्ण हो इसके लिए कई बार नागरिकों द्वारा आंदोलन भी किए गए हैं, परंतु आज तक सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, अधूरा ही पड़ा है। जगह जगह खुदी पड़ी सड़क और बड़े बड़े गड्ढों के कारण कई बार नागरिक दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं, परंतु मनपा प्रशासन के कार्य की गति जस की तस बनी हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज कल्याण पश्चिम स्थित रामबाग परिसर के ब्लू डायमंड इमारत में रहने वाले 11 वर्षीय जयसलीन कुट्टी को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने मनपा प्रशासन और ठेकेदार को जिम्मेदार बताते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया और आयुक्त के बंगले के सामने जमा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। हमारा बच्चा इससे स्कूल में जाता था, लेकिन ट्यूशन में जाके रिटर्न आता था, वापस भी ट्यूशन जाता था। जाने के टाइम में ऐसे ऐसा ट्रक वाला ने बच्चा को स्कूटर, वो साइड से आ रहा था, लेकिन वो उसके लिए उस जगह छोटा था, वो छोटा जगह में उसको एक लेफ्ट साइड में आया। लेफ्ट साइड में आने के टाइम में लड़का ने वो मतलब ये साइड में क्रॉस किया, क्रॉस करने टाइम ट्रक ने उड़ा उसको उड़ा दिया। गड्ढा मिट्टी है वो, उसमें दोनों साइड में काम चालू है। उसके छोटा जगह में उसको साइकिल लेके चला रहा था, साइकिल के साथ में उसको आगे आगे भी व्हील में पीछे व्हील में गिरा दिया, गिरा के उसको उड़ा दिया। आज महापौरांचा वार्ड, आता जो आयुक्तांचं निवासस्थान ज्या रस्त्यावर आहे, अशा रस्त्याचं काम 5-5 वर्ष चालू राहणार याच्यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही। त्याचबरोबर निर्णय क्षमता नसलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे ह्या अशा अपघात घडतात, ह्याच्यातनं दुर्दैवी त्या बालकाचा मृत्यू झालेला आहे। माझी तर आयुक्तांकडे मागणी राहील की तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व आताचे शहर अभियंता PG कुलकर्णी ह्या सगळ्या गोष्टीला जबाबदार आहेत, त्यामुळे सदरचा ठेकेदार ज्यांनी निष्काळजी तिथे जी काळजी घ्यायला पाहिजे ती घेतली नाही, त्यामुळे तो सदरचा ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यावर सदोष अनुशोधनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला।